रामनगरी अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे देश में भक्तिमय माहौल है। वहीं दूसरी ओर राजनीति भी गर्म होती जा रही है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत कुछ दूसरे विपक्षी दलों ने निमंत्रण को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। इसको लेकर कांग्रेस ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये समारोह बीजेपी और आरएसएस का इवेंट करार देते हुए इसे सम्मानपूर्वक अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी अपने फायदे के लिए अधबने मंदिर का उद्घाटन राजनीतिक लाभ के लिए कर रही है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार कर चुके हैं। अखिलेश ने कहा कि हम जिन्हें जानते नहीं हैं उन्हें न तो निमंत्रण देते हैं और न ही उनसे कोई निमंत्रण स्वीकार करते हैं। अब कांग्रेस को लेकर बीजेपी की तरफ से भी बयानबाजी हुई। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता कांग्रेस की मानसिकता के अनुसार खुलेआम ठुकराना कांग्रेस पार्टी के 2024 लोकसभा चुनाव में हिंदू विरोधी घटिया राजनीति का एजेंडा सेट करता है। को प्रभु दारुण दुख देना ताकि मति पहले हर लीना, अगर उन्होंने निमंत्रण को ठुकराया है तो जनता उनको ठुकरा देगी। कांग्रेस के नेताओं ने भी इसका विरोध किया है कि इस तरह की चीज नहीं करनी चाहिए। नहीं, सब लोग विरोध करेंगे क्योंकि निमंत्रण कोई भाजपा ने नहीं दिया है, सरकार ने नहीं दिया है, उसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दिया है और उसे नकारना निश्चित तौर से यह रामद्रोही जो उनका आचरण है वो प्रकट हो जाता है। भगवान राम को काल्पनिक वो पहले ही बता चुके थे, अब रामलला जब भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं तब ऐसा उनका निर्णय निश्चित तौर से विनाश काले विपरीत बुद्धि।